जैसा कि आप सब जानते हैं, बॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की डीप फेक वीडियो सामने आई हैं और अब इन डीप फेक वीडियोज़ में एक और एक्ट्रेस का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, बात करें नोरा फतेही की, तो नोरा फतेही की भी डीप फेक वीडियो सामने आई है और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। और वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि वो खुद नोरा फतेही तक पहुँच गई और जब नोरा ने उसको देखा तो नोरा भी शॉक रह गई। नोरा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की है और साथ में उन्होंने लिखा है कि शॉक्ड, दिस इज़ नॉट मी। नोरा भी शॉक रह गई कि ये वो नहीं है, लेकिन ये इतनी आसानी से और कितनी सफाई से उनकी ये डीप फेक वीडियो बनाई गई है कि वो खुद भी शॉक रह गई हैं। बात करें नोरा की इस वीडियो की, तो नोरा की वीडियो एक ब्रांड यूज़ कर रहा है जिस ब्रांड का नाम है lulumelon.com और ये lulumelon.official पर नोरा की वीडियो नज़र आ रही है जिस पे वो सेल के बारे में बताती हैं और इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं। बात यह है कि इससे पहले रश्मिका और आलिया भट्ट की जिस तरह की डीप फेक वीडियो सामने आई थी, ये वैसी डीप वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो एक एडवर्टाइजिंग के तौर पर यूज़ की जा रही है जिसमें नोरा है ही नहीं। और ये भी एक बहुत गलत इस्तेमाल है कि अपनी ब्रांड्स को इंडोर्स करने का या अपनी ब्रांड्स को आपने पॉपुलर करने का, आप एक फैमिलियर फेस, एक पॉपुलर सेलिब्रिटी का फेस यूज़ करके आप अपने ब्रांड्स को इंडोर्स कर रहे हैं और उसकी परमिशन के बगैर, जो बहुत गलत है। और अगर इस तरह की वीडियोस बनती रही तो इन सेलिब्रिटीज़ का काम तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा, सभी इस तरह के डीप फेक वीडियोस बना लिया करेंगे और अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर देंगे। अब वक्त आ गया है कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको ये नोरा की वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी पहचान पाए कि ये डीप फेक है या नहीं? हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।